Now levels of cache memory. So levels of cache memory, इनके नेम से क्लियर है कैश में 3 लेवल्स जनरली बनाए जाते हैं आजकल मॉडर्न कंप्यूटर्स में. उसके बेसिस में इनका नाम रखा गया है. लेवल 1 कैश इज कॉल्ड L1, लेवल 2 कैश इज कॉल्ड L2, लेवल 3 कैश इज कॉल्ड L3. इन तीनों में से सबसे फास्टेस्ट होती है L1 कैश. क्यों? बिकॉज ये विद इन द प्रोसेसर होती है, उसके साथ ही अटैच होती है, इसलिए ये फास्टेस्ट होती है. और टिपिकली ये 8 KB से 64 KB के बीच में इसकी साइज होती है. एंड इट इज़ वेरी हाई स्पीड मेमोरी बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ स्टैटिक रैम्स. ओके, डायनामिक रैम से मेन मेमोरी बनी होती है. डायनामिक रैम्स लोअर होती हैं, चीपर होती हैं एंड बेसिकली यूज फॉर मेन मेमोरी. बिकॉज ये CPU के साथ में ही होती है विद इन द प्रोसेसर, इसलिए हम इसे इंटरनल कैश भी कहते हैं और प्राइमरी कैश भी कहते हैं. ओके, नेक्स्ट है लेवल 2 कैश. लेवल 2 कैश लेवल 1 से थोड़ी लार्जर होती है बट लेवल 1 से थोड़ी स्लोअर भी होती है. सो इट इज़ लार्जर बट स्लोअर देन द L1 कैश. नाउ व्हाट डज इट स्टोर? L2 कैश में जो मोस्ट रिसेंटली एक्सेस डेटा होता है, इन्फॉर्मेशन, या हम कैसे मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज डेटा होता है, वो यहाँ पे आके स्टोर होता है. सो इसलिए हम इसे कहते हैं सेकेंडरी कैश. ठीक है, तो इट इज़ डिजाइन टू रिड्यूस टाइम नीडेड टू एक्सेस डेटा इन केसेज वेयर डेटा हैज ऑलरेडी बीन एक्सेस प्रीवियसली एक्सेस किया गया, तो उसे टाइम को कम करने के लिए हम सेकेंडरी कैश में उस डेटा को रखते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम उस डेटा को यहीं से एक्सेस किया जा सके. ठीक है, इसकी साइज बेसिकली 64 KB से 4 MB तक होती है. ओके, अब इसकी लोकेशन कहाँ होती है? ये L1 कैश और रैम के बीच में होता है L2 कैश. तो आप यहाँ से देख सकते हैं L1 कैश और रैम के बीच में होता है L2 कैश. ओके, नाउ नेक्स्ट इज लेवल 3 कैश. लेवल 3 कैश मेमोरी L2 कैश का एनहांस्ड फॉर्म है. ओके, और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? इट इज़ प्रेजेंट इन द मदरबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर. इसलिए लेवल 2 कैश से थोड़ी स्लोअर होती है, जबकि L1 L2 दोनों CPU के साथ में होते हैं. L3 कैश बेसिकली L2 कैश को फेड करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है. मेन मेमोरी से फास्टर होती है, इट इज़ फास्टर देन द मेन मेमोरी बट स्लोअर देन द L2 कैश. L2 कैश से स्लोअर होती है. इसकी साइज कितनी होती है? 3 MB से लेके उससे ज़्यादा भी हो सकती है. सो बेसिकली मॉडर्न कंप्यूटर्स में लेवल 3 कैशेज होती हैं. हर कंप्यूटर्स में लेवल 3 कैशेज नहीं होती है. एनी CPU वॉन्ट्स टू एनहांस इट्स परफॉर्मेंस देन इट कैन बी इक्विप्ड विद द L3 कैश. ओके, सो नॉट ऑल प्रोसेसर हैव दिस L3 कैश बिकॉज इट इज यूज टू एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ द L1 एंड L2 कैश. L1 कैश सबसे फास्टर है, देन L2 कैश, देन L3 कैश. L1 एंड L2 प्रोसेसर में ही रहते हैं, L3 मदरबोर्ड में रहता है. जनरली L1 कैश में बहुत ही स्मॉलर रहती है, 8 KB से 64 KB, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस और डेटा दोनों साथ में स्टोर रहते हैं. और यहाँ पे जो फ्रिक्वेंटली यूज डेटा रहता है, प्रोग्राम्स रहते हैं, वो कहाँ स्टोर रहते हैं? L2 कैश में. थैंक यू.